मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा जहां मुरादाबाद के सुनियोजित विकास को लेकर काम किया जा रहा है, तो वहीं 100 डेज योजना के अंतर्गत मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अपने 100 डेज कार्य निर्माण के लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है। मुरादाबाद के दिल्ली रोड पर बसाई गई आवासीय योजना नया मुरादाबाद आवासीय योजना को लेकर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण प्रशासन द्वारा इस योजना को तेजी से बसाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। नया मुरादाबाद आवासीय योजना की सड़कें खराब होने के चलते लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा नया मुरादाबाद आवासीय योजना के मुख्य मार्गों को दुरुस्त कराया गया है, तो वहीं सभी चौराहों पर हाई मास्क लाइट लगाने का काम भी किया गया। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के सचिव राजीव पांडे द्वारा बताया गया कि मुरादाबाद पीतल की कारीगरी के लिए जाना जाता है। इस शहर में दिल्ली NCR की ओर से आने के लिए एंट्री पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा गेट बनाने का काम किया जा रहा है, मुख्य मार्गों को दुरुस्त कराने का काम किया जा रहा है। नया मुरादाबाद आवासीय योजना के सभी चौराहों पर हाई मास्क लाइटें लगाई गई हैं ताकि क्षेत्र की आवाम को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं प्राधिकरण द्वारा सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। सिटी चैनल से बात करते हुए राजीव पांडे द्वारा बताया गया, अभी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण नई शोधन की जो योजनाएं बनाई गई है उन विभिन्न योजनाओं पर काम कर रहा है। चाहे आपका गेट बनने का कार्यक्रम हो, इसके अलावा झील का हो, नए आवासों के उठाने का हो, वो सारी प्रक्रियाएं, रोड्स बनाने का कार्य भी नई योजनाओं के अंतर्गत चलाया जा रहा है। साथ ही साथ अभी मुरादाबाद ने नए मुरादाबाद के अंतर्गत 8 हाई मास्कों का को लगा करके कल कंप्लीट कर दिया है। अब नया मुरादाबाद उनकी रोशनी में लगातार जगमगाता रहेगा और वहाँ रहने वाले लोगों के लिए आने वाले दिनों में नए वाले VC साहब आ जाएँ, उसके बाद हम लोग मिलकर के बनाएंगे नए मुरादाबाद को एक नई योजनाओं से और नए कार्यक्रमों से। अच्छी आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार कार्यक्रम मार्ग का, पार्किंग का और निवास का, ये सारी व्यवस्थाओं के लिए जो योजना कमिश्नर साहब आयोजित की हैं उनके अनुसार कार्रवाई करें। नया मुरादाबाद आवासीय योजना से होकर गुजर रहे एक युवक द्वारा बताया गया कि मेरे रास्ते बहुत खराब थे लेकिन अब रास्ते ठीक हो चुके हैं, जिससे काफी समस्याओं का समाधान हो चुका है। पहले तो इतना था रास्ता, बहुत ही ज्यादा उबड़ खाबड़ था और अब ये नया रास्ता बना है, अब सहूलियत भी मिलेगी। और पहले बाइकें कारें आपस में एक्सीडेंट या कुछ ना कुछ होते रहता था हाथ से, अब अल्लाह का शुक्र है अभी तक ऐसी कोई बात ही नहीं है, रोड पड़ी रहा है अभी तो। विधायक लेकर हम ये कहना चाहेंगे कि रोड का काम तो खैर सही हो रहा है, बढ़िया, ये पहला होना चाहिए था क्योंकि इससे लोगों को, काफ़ी लोगों की चोटें लग चुकी हैं काफ़ी बार।